अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती लेटेस्ट अपडेट। तो दोस्तों आज हमारी तारीख हो चुकी है 20 मई 2020 की, हम बड़ी अपडेट्स को देखने वाले हैं। और सबसे पहले बात करेंगे टुडे ब्रेकिंग न्यूज में, क्या दोस्तों आज स्टे मिलेगा? जी हाँ दोस्तों, देखिए आज 69,000 शिक्षक भर्ती आंसर की मामले में आज होगी हाईकोर्ट में सुनवाई। तो दोस्तों जो आज हमारा केस है 8056/2020 दोस्तों ऋषभ मिश्रा के केस की सुनवाई लखनऊ कोर्ट में होने वाली है। इसमें सीनियर अधिवक्ता एलपी मिश्रा द्वारा आंसर की मामले की सुनवाई हेतु भर्ती पर स्टे मांगा जाएगा। तो दोस्तों इसकी कॉल लिस्ट जारी हो चुकी है। तो आप लोग को पता है दोस्तों आज 69,000 शिक्षक भर्ती में स्टे की दोस्तों डिमांड की जा सकती है। और दोस्तों देखने वाली बात होगी कि क्या आज दोस्तों स्टे मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो अब दोस्तों देखिए हमारा जो केस लिस्टेड है दोस्तों, आप यहाँ पर देख रहे होंगे 8056/2020, तो ये दोस्तों पूरा मामला है 69,000 शिक्षक भर्ती का। उसके बाद दोस्तों बात होगी फेल छात्रों का क्या होगा, ठीक है। और 69,000 शिक्षक भर्ती में दोस्तों काफी छात्र अभी तक अपना आवेदन नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको कौन से समय आवेदन करना चाहिए? देखिए अगर दोस्तों वेबसाइट डाउन चल रही है ना, तो आप एक काम करिए, सुबह के दोस्तों 4 बजे के बाद आप लोग आवेदन करने का प्रयास करिए, ठीक है। नहीं तो सुबह 4 बजे से पहले हो सकता है दोस्तों आप रात के 3 बजे या 2 से लेकर सुबह 4 बजे के बीच में, वेबसाइट ठीक ठाक चलती है क्योंकि इस समय ट्रैफिक कम होगा। देखिए इस समय जबकि दोस्तों साइबर कैफे आप लोग के बंद चल रहे हैं, उसके बाद भी दोस्तों 69,000 भर्ती में आप देख रहे होंगे कि यार वेबसाइट में दोस्तों बार बार एरर आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, काफी छात्रों ने ये बात कही है कि जब भी सबमिट पर क्लिक किया जाता है उसके बाद कुछ ना कुछ एरर आ जाता है। देखिए एक बात इसमें याद रखिए, इसमें एक टाइम आउट वाला भी फंक्शन होता है दोस्तों। जब आप लोग ऑनलाइन आवेदन कर रहे हो तो आप उसमें ध्यान रखिए कि कम से कम समय में आपको करना है। ऐसा ना हो दोस्तों आप किसी पेज को ओपन करके आप आधे आधे घंटे तक बैठे रहें और आप लोग एक एक चीज पढ़ रहे हो, तो थोड़ा काम अपना थोड़ा तेजी से करिएगा तो एरर दोस्तों जो आ रहा है ना वो नहीं दिखेगा आपको। उसके बाद आपका एक सवाल था कि किस जिले की मेरिट सबसे कम जाएगी। देखिए दोस्तों इसका सिंपल सा आंसर है कि किस जिले की मेरिट सबसे कम जाएगी, जहां पर देखिए आपको सभी छात्रों को 75 के 75 जिलों के नाम डालने हैं, तो हो सकता है दोस्तों ऐसा एक कोई जिला हो सकता है जहां पर छात्र उसकी प्रायोरिटी मतलब सबसे कम दे, मतलब उसका नाम कोई ना डाले या सबसे उसको लास्ट में डालेंगे, ठीक है ना। जैसे सभी लोग होता है कि कोई एक जिला है जिस सबको उसको लास्ट में डाल रहे हैं, तो उस जिले की दोस्तों जो मेरिट होगी वो सबसे कम जाएगी। तो आवेदन करते समय आपको सावधानी बरतना है, नहीं तो कभी कभी देखिए कुछ गलतियां हो जाती हैं, जल्दबाजी में आप लोग आवेदन करेंगे, हो सकता है कि दोस्तों आपको कोई जिला पहले डालना तो उसको बाद में डाल दिया, फिर अगर इन केस आपको वहीं पर नौकरी या नियुक्ति पत्र मिल जाता है तो फिर आप देखिए दिक्कत में आएंगे, क्योंकि इसमें कभी भी आपका ट्रांसफर होगा नहीं, जहां एक बार नौकरी मिल गई वही आपको नौकरी करते रहना है। उसके बाद दोस्तों एक और अपडेट्स की, शिक्षक भर्ती में पूर्व में चयनित शिक्षक वापस ले अपना दावा। तो ये बात दोस्तों 68,500 शिक्षक भर्ती के छात्रों के लिए हो रहा है, उसके अपडेट्स को भी इस वीडियो में हम देखेंगे। और देखिए अगर आपका 70 से कम गुणांक है फिर भी आप परेशान ना हो, काफी छात्र दोस्तों ऐसे हैं जिनके गुणांक थोड़े से कम आ रहे, तो इस समय वो काफी टेंशन में आ चुके हैं कि सर अब हमारा नौकरी लगेगी नहीं लगेगी, क्या होगा कैसे होगा, तो उसको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। और दोस्तों आपका जो सेफ जोन है, अब तक दोस्तों जितने बार सर्वे किए गए उसका रिजल्ट हम इस वीडियो में देखेंगे कि सर्वे का रिजल्ट क्या कहता है और कैसे आपको नियुक्ति पत्र मिलेगा। सबसे पहले इस अपडेट्स को हम देखते हैं कि प्रसदीय विद्यालयों में 2018 में 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती में चयनित बड़ी संख्या में शिक्षक वर्तमान समय में 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा में सफल है। शिक्षक भर्ती काउंसलिंग में होने के लिए इन शिक्षकों को बेसिक शिक्षा विभाग से एनओसी लेनी होगी। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद विजय शंकर, ठीक है, मिश्र का कहना है कि पूर्व को सहायक अध्यापक भर्ती में चयनितों को अपने बीएसए से एनओसी लेनी होगी। प्राथमिक शिक्षक संघ से अशोक द्विवेदी ने नए अभ्यर्थियों के हित में पूर्व में चयनितों से काउंसलिंग में नहीं भाग लेने की अपील की है। तो देखिए दोस्तों ये सब कुछ डिपेंड करेगा 68,500 शिक्षक भर्ती के छात्रों पर को उनको 69,000 शिक्षक भर्ती में नौकरी लेनी है या नहीं, ठीक है। तो अब आप लोग एक काम कर सकते हैं कि 68,500 शिक्षक भर्ती के छात्रों से एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं, देखिए आप इनसे रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, अगर दोस्तों ये अपनी सीट छोड़ेंगे तो डेफिनेटली आपको फायदा मिलेगा। अगर 68,500 शिक्षक भर्ती का एक छात्र भी 69,000 में नौकरी ले लेते हैं तो दोस्तों आपको पता है कि एक सीट का नुकसान होगा, मतलब एक सीट पर दोस्तों ऐसे कोई छात्र नौकरी पा सकता था जो कि मतलब बेरोजगार रह जाएगा। जब 68,500 शिक्षक भर्ती का कोई अधिक मेरिट वाला छात्र इस पर आके नौकरी ले लें, देखते हैं क्या होता है। वैसे दोस्तों सभी छात्रों से अपील है 68,500 शिक्षक भर्ती के कि आप लोग फिलहाल 69,000 शिक्षक भर्ती के कोई भी सीट ना लें, ताकि दोस्तों जिन छात्रों के गुणांक 70 से कम बन रहा है उनको नियुक्ति का मौका मिल सके।
देखिए दोस्तों, आपकी कुछ वेबसाइट ऐसे चलती है, अगर आप लोग ऑनलाइन आवेदन दोस्तों कर रहे होंगे काउंसलिंग के लिए, तो देखिए इसकी अंतिम तिथि 26/5/2020 है। तो आप लोग दोस्तों, अब ज़्यादा समय बचा नहीं है, ठीक है ना। तो आज 20 तारीख हो चुकी है, तो अब आप लोग को इंतजार नहीं करना है। जैसे दोस्तों हो सके आपका ऑनलाइन आवेदन, उसको जल्द से जल्द कर लीजिए। बाकी के अपडेट्स दोस्तों हम आपको यूट्यूब के माध्यम से देते रहेंगे। तो फिलहाल दोस्तों आज हमारी 20 मई हो चुकी है, तो आज सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, आज जो हमारी सुनवाई में जो भी अपडेट्स आएगी उसका लिंक दोस्तों हम नीचे कमेंट बॉक्स में आपको दे देंगे कि आखिर आज कोर्ट में क्या हुआ और भर्ती में स्टे लगेगा या नहीं लगेगा। अगर स्टे लग गया तो फिर देखिए एक बात दिक्कत यहाँ पर ये आ जाएगी ना कि रिवाइज आंसर की में दोस्तों अगर नंबर बढ़ेंगे, जो बच्चे पास हो रहे हैं उनके लिए नुकसान होगा, लेकिन जो बच्चे फेल हो रहे हैं उनका फायदा होगा। देखिए अब भर्ती में दोस्तों सिर्फ एक चीज होने वाली है, किसी का फायदा होगा तो किसी का नुकसान होगा। अब तक दोस्तों सभी छात्रों को पता है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में 1,46,060 बच्चे पास हैं। अगर दोस्तों मान के चलते हैं आने वाले टाइम में अगर 1 से 2 नंबर और बढ़ जाता है, तो कम से कम दोस्तों 2 नंबर बढ़ने से 10,000 नए छात्र पास हो जाएंगे। 10,000 नए छात्र आएंगे तो फिर से दोस्तों जो आपका सेव गुणांक के मेरिट है ना, वो फिर से चेंज हो जाएगी। फिलहाल दोस्तों अभी तक जितने भी दोस्तों हमने सर्वे किया उसके हिसाब से जो बच्चे नौकरी पाने वाले हैं उनकी दोस्तों जो लिस्ट बनेगी कुछ ऐसे बन सकती है। देखिए जो पहले आप लोग के दोस्तों जनरल की जो कट ऑफ बनेगी वो आपके स्टेट लेवल पर बनेगी, राज्य लेवल पर। ऐसा नहीं होगा दोस्तों कि काफी छात्र इसमें कन्फ्यूजन में है कि सभी जिलों की जनरल की कट ऑफ अलग अलग बनेगी। जी हाँ दोस्तों, सभी जिलों की अलग अलग तो रहेगी, लेकिन एक ओवरऑल कट ऑफ होगी। जैसे दोस्तों मान के चलते 68 नंबर की एक जनरल की कट ऑफ बनी स्टेट लेवल पर, इसका मतलब दोस्तों ऐसा होगा कि 68 से कम जितने छात्र मान लेते 67 पर हैं तो आप फेल कहलाएंगे, आप नौकरी से बाहर हो जाएंगे। 68 के ऊपर दोस्तों जितने छात्र हैं, 69 हो, 70 हो, 71 हो, वो सभी छात्र मतलब 69,000 शिक्षक भर्ती में ऑटोमेटिक सेफ जोन में आ जाएंगे। ये दोस्तों हम खाली ऐसे बता रहे थे अनुमानित। हो सकता है कि जनरल की कट ऑफ दोस्तों 65 ही चली है, या हो सकता है कि 60 ही कट ऑफ चली है, तो अभी इसका डिसाइड नहीं हुआ। क्योंकि अभी देखिएगा काफी बच्चे दोस्तों ऐसे हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में, जो 2018 की दोस्तों जब ये भर्ती प्रक्रिया चल रही थी उस समय यूपी टेट में दोस्तों काफी छात्र फेल हो गए थे, एक एक नंबर से, दो दो नंबर से। तो वो छात्र भी दोस्तों 69,000 में पार्टिसिपेट कर लिए थे, और काफी छात्र दोस्तों आपको पता होगा बीटीसी 2015 बैच के हैं, मतलब वो भी काफी छात्र दोस्तों की बैक लगी थी, तो ये भी दोस्तों 69,000 में आ गए हैं। तो ये सारी दोस्तों हम अपडेट्स आपको देते रहेंगे, जो भी अपडेट्स आएगी आने वाले टाइम में, ठीक है। इसके लिए आप वेट एंड वॉच करिए, तो और भी दोस्तों जो अपडेट्स होंगी वो सारी अपडेट्स हम आपको देंगे। फिलहाल दोस्तों चलिए हम आपको बता देते हैं एक आपकी सेफ जोन क्या बन सकती है सभी कैटेगरी में। अगर देखिए दोस्तों जो जनरल के अभी तक दोस्तों मेरिट का अनुमान आ रहा है वो 66+ आपके 200 मेरिट जा सकती है। उसके बाद दोस्तों जो हमारी ओबीसी कैटेगरी का अनुमानित आ रहा है नंबर, वो 66+ यहाँ पर भी होगा। उसके बाद दोस्तों एससी कैटेगरी में ये दोस्तों मेरिट थोड़ी सी डाउन हो सकती है, 64+ जा सकती है। एसटी में दोस्तों सिंपल सी बात है, पास हो जाओ नौकरी लेकर जाओ। देखिए दोस्तों ये जो 66 वाली बात हो रही है ऐसा क्यों हो रहा है, इसका रीजन ये है ना कि ओबीसी में 200 छात्र ज्यादा पास हो गए हैं और एक बड़ी संख्या में ओवरलैप करके जनरल की सीट्स तो ये लेंगे ही लेंगे। एससी कैटेगरी में दोस्तों मतलब नहीं होता छात्रों की जितनी सीट्स हैं, एससी में 10,000 सीटें होती हैं आरक्षित, लेकिन आपको पता 24,000 बच्चे तकरीबन पास हैं, तो इसमें भी दोस्तों बड़ी संख्या में छात्र ओवरलैप करेंगे। लेकिन देखिए ओवरलैप करने से सभी छात्रों को नौकरी नहीं मिलेगी, ओवरलैप करने से कुछ ही छात्रों को नौकरी मिल पाएगी। देखिए जैसे ओबीसी में दोस्तों जो आरक्षित सीटें हैं वो 18,000 तकरीबन है, लेकिन दोस्तों 18,000 से कुछ अधिक सीटें, लेकिन ये तो आपको पता है 84,000 बच्चे पास हुए हैं, बाकी बच्चों का क्या होगा। देखिए काफी बच्चे ओवरलैप कर जाएंगे, ओवरलैप करने के बाद दोस्तों जो छात्र बचेंगे उनका क्या होगा, वो बच्चे दोस्तों ओबीसी कैटेगरी में नौकरी लेंगे। अगर ओबीसी कैटेगरी में 18,000 सीटें भरने के बाद दोस्तों जो बच्चे बचेंगे उनका क्या होगा, तो दोस्तों फिर उनका सफर 69,000 शिक्षक भर्ती में यही पर समाप्त हो जाएगा। एक बात और है दोस्तों, एक बार जैसे अगर आप जो काउंसलिंग कर रहे हैं इसमें, फिलहाल देखिए आप लोग को पता 26 तारीख तक दोस्तों आप लोग काउंसलिंग कर पाएंगे, उसके बाद 3 से 6 जून के बीच एक रिजल्ट दोस्तों घोषित किया जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि आपको लखनऊ मिल जाता है, ठीक है, उसके बाद दोस्तों लखनऊ जाएंगे, उसके बाद दोस्तों आपको वहां पर ये पता चलेगा कि आपको कौन सा स्कूल मिल रहा है। पहले दोस्तों आपको ये दिखाया जाएगा कि कौन सा जिला आपको आवंटित हो रहा है। देखते हैं दोस्तों जो भी अपडेट्स है, कि और भी अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल आज संशोधित उत्तर मालों को लेकर सबसे बड़ी दोस्तों बहस होगी, और इस बहस में दोस्तों आपको ये पता चलेगा कि आगे दोस्तों 69,000 भर्ती में क्या क्या होने वाला है। देखिए फिलहाल स्टे मिलने की उम्मीद तो यहाँ काफी कम है, लेकिन हाँ सुप्रीम कोर्ट से स्टे जरूर मिल सकता है। लेकिन सरकार के पास फिर एक पावर होगी जिसको सबको पता है कि अंतरिम राहत कहा जाता है, अंतरिम राहत पर 69,000 भर्ती को कंप्लीट किया जा सकता है। और एक बात आपको ये बहुत अच्छे से पता है, जब ऑलरेडी दोस्तों 1,46,000 से अधिक बच्चे पास हो चुके हैं, तो इसमें दोस्तों अगर हम मान लेते 40-45 कट ऑफ कर देते हैं,
ठीक है, इतना परसेंट तो 200 तकरीबन 3 लाख के करीब छात्र पास होंगे। मेन बात यह होता है कि यार जब दुगने से अधिक बच्चे 90-97 पर ही पास हो रहे हैं तो कट ऑफ कम करने का दोस्तों कोई मतलब ही नहीं बनेगा। ऐसा सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों सरकार की तरफ से नहीं हो सकता कि दलील दी जा सकती है यार जब बच्चे इतने ज्यादा पास हो रहे हैं तो कट ऑफ और कम करके ज्यादा छात्रों को पास करके मिलेगा क्या? नौकरी तो सबको मिल नहीं पाएगी। सिंपल सी बात है, देखिए पहले ये हो रहा था कि काफी छात्रों को लग रहा था यार 69,000 भर्ती है, अधिक से अधिक बच्चे पास होंगे तो 50,000, 60,000, 70,000 या 1 लाख, लेकिन दोस्तों यहाँ तकरीबन 1.5 लाख बच्चे पास हो गए। ठीक है, तो सारी अपडेट्स दोस्तों हम आपको देते रहेंगे, जो होगा सब कुछ हम बताएंगे। फिलहाल अगर आज की डेट में आपके 70 से कम गुणांक है, आप लोग परेशान ना हो, पहले फिलहाल आप लोग ऑनलाइन अपना आवेदन कर दीजिए। जो भी दोस्तों दिक्कतें आती है हम आपको बताते हैं। फिलहाल आप लोग ऑनलाइन आवेदन का जो टाइम चुनिए ना, रात के 2 बजे के बाद। देखिए सिंपल सी बात है, आजकल सभी बच्चे 12 बजे से लेकर 2 बजे तक रात में ऑनलाइन चैटिंग, व्हाट्सएप, ये सब चलता ही रहता है, तो जगते बहुत ज्यादा बच्चे हैं। तो मतलब ये मत सोचिएगा रात के 12 बजे वेबसाइट तेज हो जाएगी, ऐसा नहीं है। तो रात के 2 बजे के बाद दोस्तों जब बच्चे सोने लगते हैं ना, उसके बाद वेबसाइट की स्पीड अपने आप बढ़ेगी, उस समय दोस्तों आप लोग ऑनलाइन आवेदन करिएगा। और हाँ, एक कॉपी में पहले से दोस्तों आप लोग 75 जिलों का विकल्प लिख के बैठे रहिएगा कि जैसे दोस्तों पेज खुले ना तो उसमें काफी तेजी से आपको काम करना है। सोचिएगा दोस्तों कम से कम समय में आप लोग को अपना आवेदन फॉर्म भरना है, ऐसा ना दोस्तों क्या बहुत स्लो भरेंगे फिर देखिए दिक्कतें होती हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। और दोस्तों आज की जो कोर्ट के अपडेट्स होगी उसको कमेंट बॉक्स के माध्यम से लिंक हम आपको देंगे जहाँ से आप चेक कर पाएंगे। फिलहाल देखिए अगर आप लोग को ऑनलाइन आवेदन करना अभी तक नहीं किया तो उसका लिंक हम कमेंट बॉक्स में देंगे, उससे आप लोग ऑनलाइन आवेदन भी कर पाएंगे। फेल छात्रों के लिए दोस्तों बड़ी खुशखबरी आज निकल कर आ सकती है, वेट एंड वॉच करते हैं। ठीक है ना, वेबसाइट पर बार बार एरर आ रहा है तो उसका मतलब साफ है दोस्तों कि आप समय ज़्यादा ले रहे हैं। कम से कम समय में भरिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, दिन के समय आ सकती है जब ट्रैफिक ज़्यादा होगा तब। और किस जिले की मेरिट दोस्तों कम जाएगी, इसका आंसर सिंपल था, यही है जहाँ पर छात्र दोस्तों जो प्रियोरिटी लिस्ट होगी उनकी, मतलब सबसे लास्ट में जो जिला, सभी ऐसा मान के चलिए कोई एक जिला जिसको सभी छात्र बिल्कुल लास्ट में भरेंगे, ऑटोमेटिक उस जिले की मेरिट सबसे कम हो जाएगी। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे आने वाली वीडियो के हर एक नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड।